जब मौर्यों का पतन होता है ना, तो भारत में दो प्रकार के लोगों ने शासन किया, एक तो देशी उत्तराधिकारी, दूसरा था कौन सा, विदेशी उत्तराधिकारी। तो देशी उत्तराधिकारियों में हम क्या पढ़ेंगे, शुंग को पढ़ेंगे, पुष्यमित्र को, जिसने की जो कि मतलब मौर्यों का सेनापति था, ठीक है ना, कम वंश है, सातवाहन है, वाकाटक है। इसके बाद विदेशी उत्तराधिकारियों में हम किन किन को पढ़ेंगे, हिंद यवन है, शक है, पहलव है और कुषाण है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि भाई ये जो जो विदेशी आक्रांता थे ना, ये कहाँ से आए थे। तो हिंद यवन है, ये कहाँ से आए थे, हिंद यवनों का जो शासन था ना, ये कहाँ से, अफगानिस्तान से लेकर और यूनान मतलब यवन तक था, ग्रीक तक था। तो ये वाला क्षेत्र था इनका, किनका, जहां से पहली बार हिंद यवन भारत में आते हैं, ठीक है। इन लोगों ने शासन किया हिंद यवनों में, डेमेट्रियस नाम करके व्यक्ति था ना, उसने भारत में शासन किया। इसके बाद दूसरा कौन है, शक, शक, शक कौन थे, सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे, यहां से ईरान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इस वाले एरिया से, मध्य एशिया से शक लोग भारत में आते हैं, ठीक है, ये वाले एरिया से आते हैं। आने का मार्ग क्या था, क्योंकि अफगानिस्तान में जो अमुदरिया नदी है, खैबर हिंदू कुश पर्वत से लगा हुआ है खैबर दर्रा, उसी खैबर दर्रे के मार्ग से भारत में प्रवेश करते हैं, मतलब ये वाला एरिया से ये लोग आते हैं, ये था यहाँ पर खैबर दर्रा, इस मार्ग से ये लोग इस भारत में एंट्री करते हैं। तीसरे कौन थे, पहलव, पहलव को मतलब कहते हैं पार्थियाई भी कहते हैं, पहलवों को क्या कहते हैं, पार्थियाई। कहाँ थे ये, अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है बैक्ट्रिया, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसी के तहत था क्या, पहलव। तो ये लोग अफगानिस्तान से ऐसे अमुदरिया के पार करते हुए और खैबर दर्रा से होके आते हैं यहाँ भारत में, उन्होंने ठीक शासन किया पहलवों ने। इसके बाद है कुषाण, कुषाण कौन थे, कुषाण है चाइना में एक यूची जाति थी, चाइना में कौन सी थी, ये यूची जाति के ये कबीलाई लोग थे, ठीक है, सरदार थे, जो कि दो शाखाओं में बटे हुए थे, एक तिब्बत की शाखा थी जिनको कहते थे हम क्या, ज्येष्ठ यूची की शाखा, दूसरे थे तक्षला में, ये जो तक्षला में थे मतलब तक्षला अफगानिस्तान का मतलब वो नहीं, पाकिस्तान में पुरुषपुर मतलब पेशावर के पास में तक्षला था एक जगह, वहां पर कनिष्ठ यूची जाति के लोग थे। तो ये लोग इस जो तिब्बत के लोग थे कुषाण, ये लोग यहाँ से रिपुलेल दर्रे से कला पानी की नदी के मार्ग से भारत में प्रवेश करते हैं। दूसरे फिर इसके इसके बाद दूसरे लोग कौन थे, जो कि पुरुषपुर में रहते थे, वो इस मार्ग से भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये विदेशी आक्रांताओं ने भारत में, इनमें इनमें सबसे प्रमुख माना जाता है किसको, कनिष्क को, जिन्होंने कनिष्क जिसके कार्यकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कुषाणों को कहा जाता है कि भाई भारत में प्योर 124 ग्रेन के सोने के सिक्के चढ़वाए थे, ठीक है। तो इनके बारे में ये कहानी थी कि मतलब मौर्यों के बाद किन किन लोगों ने, ठीक है, शासन किया। तो एक तो कौन से, देशी उत्तराधिकारी थे।